हाय, मैं हूँ मुकेश और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एनिमेशन टिक्स और आप सीख रहे हैं 3D स्टूडियो मैक्स का 2022 वर्जन। और इसमें चल रहा है आपका मॉडिफायर। तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और मॉडिफायर में देखता हूँ UVW मैप। अन्य PVW हो गया था आपका पिछले लेक्चर में, इस बार UVW मैप बता रहा हूँ। और मटेरियल डाल देता हूँ पहले मैं। बिटमैप से कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि ये इमेज मैंने ले ली है और ये अप्लाई कर दिया है इसको। और ये अभी प्लानर पे है तो कुछ इसमें की दिख रही है, ये दोनों साइड से। और सिलिंड्रिकल, अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सिलिंड्रिकल आपको ऑन रखना पड़ेगा, कैप भी ऑन रखना पड़ेगा। और स्फीयरिकल है, गोल है आपकी इमेज या आपका ऑब्जेक्ट, तो स्फीयरिकल पे रखना पड़ेगा। ये श्रिंक रैप में ये एडजस्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है पूरा का पूरा। और बॉक्स में करते हैं तो बॉक्स में बराबर सब जगह से बराबर दिखाई देता है, इसमें वही इमेज चारों ओर दिखाई देती है। बॉक्स अभी हमारा बॉक्स है इसलिए बॉक्स रखा है। नीचे आते हैं, इसको अगर फिट कर देता हूँ, अभी फिट नहीं है, ये जो फ्रेम है अभी फिट नहीं है, इसे छोटा है। मैं फिट कर देता हूँ इसको तो ये इमेज भी फिट हो जाती है। ये और बाकी सेंटर है और बिट में फिट है और यहाँ से ले सकता हूँ इमेज, पर अभी ज़रूरत नहीं है। और XYZ अलाइनमेंट है इसका, इस बॉक्स का ये जो फ्रेम है इसके चारों ओर इसका अलाइनमेंट है। मैं फिट कर देता हूँ तो ये आपका UVW मैप है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ स्फीयर के ऊपर। एम प्रेस करता हूँ और मटेरियल एडिटर में जाता हूँ। मटेरियल एडिटर से जो मेरा BG का फोल्डर है, इसमें से कुछ टेक्सचर्स लेता हूँ, जैसे कि ये वाला ले लेता हूँ। अभी ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मैं जेड प्रेस कर देता हूँ और मैक्सिमाइज कर देता हूँ इसको। ये चारों तरफ से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं ग्रिड हटा देता हूँ जी प्रेस करके। और अब जाते हैं, इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ स्फेरिकल और नीचे से इसको कर देता हूँ फिट। तो ये देखिए बराबर फिट हो गई है इसके ऊपर। और जैसे कि ग्लोब का मैप होता है, आप इसके ऊपर इस तरीके से आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो ये है। और अगर कोई सिलेंड्रिकल इमेज है, मैं सिलेंड्रिकल इमेज ले लेता हूँ, एक सिलेंडर बना लेता हूँ और एक इमेज अप्लाई करता हूँ सिलेंडर के ऊपर। एम प्रेस करता हूँ और इसमें बिटमैप में जाता हूँ और इमेज लेना है मुझे, ये वाली ले लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल अप्लाई हुई है ऐसी कुछ, इस टाइप से ये अप्लाई हुई है। और अगर मैं UVW मैप ले लेता हूँ और इसको सिलेंड्रिकल करता हूँ और ऊपर कुछ बिगड़ा हुआ है तो मैं कैप कर देता हूँ, तो ये कैप से भी अच्छी दिखेगी और कैप कैप के कारण यहाँ पर ये बराबर दिख रही है।
तो ये सिलिंड्रिकल होता है, तो ये था UVW मैप और आसान है बिल्कुल। और अगर लेंथ वगैरह आपको सेट करना है तो इस फ्रेम को जो कि ढका हुआ जिस फ्रेम ने, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से स्ट्रेच करके या जैसे भी है, इन्हें इनकी वैल्यूज कम ज़्यादा करके इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं। और टाइल्स फ्लिप भी कर सकते हैं और टाइल्स बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर 3 कर देता हूँ तो ये देखिए 3 टाइल्स हो गए इसमें। इस तरीके से ये काम करता है। और अलाइनमेंट एक्स वाई और जेड, जेड एक्सिस सही था। अब मैं फिट कर देता हूँ उसको वापस से। ये फिट हो गई है फ्रेम जो कि UVW मैप की थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।